जब जब अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र किया जाएगा, जेहन में 30 दिसंबर 2023 की तारीख याद रखी जाएगी। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या दौरे पर आए और कुछ ऐसा कर गए कि लोगों के लिए यादगार हो गया। चाहे वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो या फिर परियोजनाओं की सौगात, बात अगर न भूल पाने की है तो फिर मीरा मांझी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। वही मीरा मांझी जिनके घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से चाय पीने पहुंच गए थे। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के लिए मीरा मांझी की चाय सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर चाय की खुशबू अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि मांझी परिवार को एक और खुशी मिल गई। हम ये बताएं, उससे पहले मीरा मांझी के परिवार और पीएम मोदी के बीच बातचीत का वो वीडियो देखिए जो करोड़ों लोगों के दिल जीत रहा है। आप मीठी चाय पीते हैं? हमसे मीठी हो ही जाती मालूम नहीं कैसे। तो मेरा आपको क्या क्या लाभ मिला है? यही आवास मिला है। आवास मिला है? आपने बना दिया जी आपके कृपया से। अच्छा, ठीक से बना है? हाँ। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? पहले झोपड़ी था, यहाँ कपड़े का घर था। हाँ, कहाँ रहते थे? जी। और अब अच्छा बन गया जी। कब से है लाइट? 3 साल हो गया। 3 साल हो गए जी। अच्छा, तो बिजली का बिल कितना आता होगा? वो आता है महीने का 100-200 ऐसे आता है। 100-200 रुपए जी। और गैस कब से मिला है? ये कल मिला। कल मिल गया जी। अच्छा, तो गैस चलाना आता है जी? कल सीखे हैं। कल सीख लिए जी। तो पहले से चाहती थी अब गैस मिल जाए? अगल बगल वालों को भी तो गैस मिल गया? हाँ, सबको मिल गया था। हम छोटे चूल्हे पे बनाते थे, पहले तो भट्टी था, भट्टी पे बनाते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद मीरा मांझी के परिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। 30 दिसंबर मांझी परिवार के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। पीएम से मिलने के बाद मांझी परिवार को योगी सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभार्थी बनाया है। साथ ही उन्हें आयुष्मान कार्ड सौंपा गया है। यूपी सीएमओ की तरफ से लेटर जारी करते हुए इस बात की जानकारी भी दी गई है। खबर है कि पीएम की मुलाकात के बाद मांझी परिवार को सीएम योगी के आदेश पर तत्काल आयुष्मान कार्ड सौंपा गया है। Thank you.